हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रॉपर्टी बोलो। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक बहुत ही बढ़िया और बहुत ही बेहतरीन और एक बहुत ही लग्जूरियस विला। और सबसे अच्छी बात जो इस विला की होने वाली है, उससे पहले भैया अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, जिससे कि आप हमारे से रेगुलरली जुड़े रहें और आपको लेटेस्ट अपडेट जो है रियल इस्टेट की वो आपको मिलती रहे। अगर हम बात करें सोसाइटी की, तो इस सोसाइटी के अंदर जो है आपको 155 प्लॉट्स की ये सोसाइटी आपको यहाँ पे मिलती है। 14 बीघा में ये सोसाइटी जो है फैली हुई है, गेटेड सोसाइटी है। और अगर हम लोकेशन की बात करें तो लोकेशन जो है वो है इसकी टोंक रोड जयपुर, नियर मोरानी मोटर्स। और जिस विला में हम लोग अभी खड़े हैं, अगर उसके डायमेंशन की अगर हम बात करें तो 20x50 यानी 111.11 गज के अंदर जो है ये आपको विला मिलता है। और कंस्ट्रक्शन एरिया जो है वो उसका 2800 स्क्वायर फीट है। यहाँ पे मिलते हैं आपको 5 वॉशरूम्स, 4 बेडरूम और 1 सर्वेंट रूम। JDA अप्रूव्ड ये प्रॉपर्टी है, RERA अप्रूव्ड है। और साथ ही साथ पार्क, टेंपल, किड्स प्ले एरिया, जिम, ये सभी चीज़ें जो है आपको इस सोसाइटी के अंदर जो है बिल्डर ने दे रखी हैं, यहाँ पर मिलती है आपको। कॉमर्शियल मार्केट भी आपको यहाँ मिलता है, 24/7 सिक्योरिटी आपको मिलती है यहाँ पे। और फ्री मेंटेनेंस है लाइफ टाइम के लिए। फुली फर्निश्ड की अगर हम बात करें, ये फुली फर्निश्ड कंडीशन में जो है आपको मिलता है ये विला। बाकी जो प्राइसिंग की जो बात है वो हम वीडियो के आगे वाले हिस्से में करेंगे और बताएंगे कि काफ़ी सारी चीज़ें जो इस विला के अंदर जो जुड़ी हुई है, कि किस तरीके से जो है ये विला आपको बड़ा बेहतरीन होने वाला है और अच्छा लगेगा आपको ये परचेज करने के लिए, बड़ा फ़ायदेमंद जगह है। और वीडियो को जो है आप एंड तक देखिएगा, जिससे कि आपको जो है हम बताएंगे कि कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पे ख़रीदने के लिए मजबूर करेगी। तो दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को, और तब तक के लिए करिए आप इसका एक क्विक टूर। चलिए फ्रेंड्स, अब हम करते हैं इसका डैप टूर। और विला के अगर हम फ्रंट एलिवेशन की बात करें तो 20 के फ्रंट के साथ में जो है आपको ये विला मिलता है। और फ्रंट एलिवेशन भी बड़ा मॉडर्न स्टाइल में आपको मिलता है, बहुत ही बढ़िया और बेहतरीन। और यहाँ पे जो है आपको दो हाउस के लिए जो है सेपरेट एंट्री मिल जाती है इस जगह से। तो दोस्तों यहाँ पर जो है हमें मिल जाती है बेसमेंट के अंदर पार्किंग। और अंदर घर में जाने से पहले हम देखते हैं कि जो एमिनिटीज़ हैं वो हमें किस तरीके से मिलती है सोसाइटी के अंदर। 30 फीट की रोड के साथ में अगर हम बात करें एमिनिटीज़ की, तो फ्रेंड्स अब हम देख लेते हैं यहाँ की जो एमिनिटीज़ है किस तरीके से आपको मिल जाती है। और ये सोसाइटी का मेन एंट्री गेट है जो कि आपको सामने दिख रहा है। गार्ड आपको वहाँ पे मिलेगा, जिससे कि जो एंट्रीज हैं वो बिल्कुल सिक्योर रहेंगी। और ये हो गया आपका पार्क। अभी जो है हम पार्क में एंटर कर जाते हैं, कुछ इस तरीके से जो है आपको पार्क मिल जाता है यहाँ पे। और यहाँ आप देख पाएंगे आपको एक कम्युनिटी हॉल मिलता है सामने की तरफ में। पानी की टंकी आपको यहाँ पे दे रखी है जो कि सोसाइटी को पूरा वाटर सप्लाई करेगी। और मंदिर जो है आपको यहाँ पे मिल जाता है, जहाँ पे आप भगवान के साथ में अटैच हो सकते हैं डायरेक्टली। और साथ ही साथ
बच्चों के लिए सेपरेटली इन्होंने किड्स एरिया दे रखा है। जैन टेंपल भी आपको यहाँ पे मिल रहा है, आप देख पाएंगे, और सेपरेटली किड्स प्लेइंग एरिया मिलता है। ओपन जिम आपको वहाँ पे दिख रहा है, और बच्चों के लिए सारी जो झूले जो होते हैं वो यहाँ पे लगे हुए हैं। और इनबिल्ट जो है फाउंटेन्स आपको दिख रहे हैं यहाँ पे पार्क के अंदर। तो अब हम चलते हैं वापस विला की तरफ और देखते हैं डिटेल्स आगे किस तरह से आपको जो है पूरा विला दिया गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम करते हैं घर का डेप टूर और एंटर करते हैं बेसमेंट के अंदर। और जैसे ही हम एंटर करते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे आपको पार्किंग के लिए जो है काफ़ी सारी अच्छी स्पेस मिल जाती है। यहाँ पे इजीली आपकी जो है सेडान कार या क्रॉसओवर या फिर एक मीडियम एसयूवी जो है आपकी इजीली पार्क हो जाएगी। और इसी के अंदर जो है आपको एक रूम भी मिलता है जो कि आपके सर्वेंट के लिए काम आ सकता है। सर्वेंट रूम के तौर पे भी ये यूज़ हो जाएगा, या फिर आप चाहें तो उसको स्टोर रूम की तरह भी बना सकते हैं। अगर कोई छोटा सा कुछ ऑफिस वगैरह कुछ डालना चाहता है यहाँ पर तो वो भी वो डाल सकता है। और यहाँ पर जो है आपको मिल जाता है यहाँ पर अटैच्ड वॉशरूम यहाँ पर इधर की तरफ पास में। वाटर टैंक का ऑप्शन आपको यहाँ पे दे रखा है नीचे। अब हम चलते हैं हमारे विला की तरफ। तो जैसे हम विला में एंटर करते हैं तो हमें जो है काफ़ी अच्छी स्पेस के अंदर जो है यहाँ पे एंट्री पोर्च मिल जाता है। सीलिंग की डिज़ाइन आप देख सकते हैं, फैन और लाइट्स के साथ में जो है एक अच्छा लुक देता है। मैश डोर आपको मिल जाता है, जाली के लिए जाली का दरवाज़ा आपको यहाँ पे दे रखा है। और जैसे ही हम यहाँ एंटर करते हैं तो काफ़ी अच्छा और एलिगेंट डिज़ाइन के अंदर जो है आपको यहाँ पे डोर मिलता है, और डोर की जो हाइट है वो भी काफ़ी अच्छी है। और यहाँ पे जो है आप देखेंगे कि काफ़ी अच्छी और बढ़िया साइज़ के अंदर इस लिविंग एरिया को डिज़ाइन किया गया है। एलईडी के लिए आपको पैनल यहाँ मिल जाता है, एलईडी पैनल। और यहाँ पे जो है आपको इस तरफ में जो है आपका पूजा के लिए एरिया बन जाएगा, आप यहाँ पे अपना टेंपल वगैरह स्थापित कर सकते हैं। और ये जो है आपका एरिया, ये आपका डाइनिंग एरिया हो सकता है, यहाँ पे आपकी डाइनिंग टेबल आ जाएगी। सीलिंग की पूरी डिज़ाइन की अगर हम बात करें तो लिविंग एरिया की सीलिंग की डिज़ाइन काफ़ी अच्छी और एलिगेंट आपको यहाँ पे मिल जाती है। फॉल सीलिंग आपको यहाँ पे दे रखी है पूरी। और यहाँ पे जो है आपको ओपन मॉडुलर किचन मिल जाती है काफ़ी अच्छी एम्पल साइज़ के अंदर। ग्रेनाइट टॉप आपको यहाँ पर दे रखा है, और साथ ही साथ सॉफ्ट क्लोजर डोर्स आपको यहाँ पर दे रखे हैं। जगुआर फिटिंग आपको यहाँ पे मिलती है स्टेनलेस स्टील सिंक के साथ में, और क्राइसिल की चिमनी आपको यहाँ पे दे रखी है एक छोटी सी, वेंटिलेशन के लिए विंडो, और काफ़ी सारे काउंटर्स के लिए मतलब आपको यहाँ पे स्पेस मिल जाता है। हर तरह की रैक आपको यहाँ पे दे रखी है सॉफ्ट क्लोजर के साथ में, आप देख पाएंगे, जो कि इस विला को एक अच्छा लुक देती है। और साथ ही साथ जो है यहाँ पे आपको वॉशिंग के लिए एक सिंक आपको यहाँ पे दे रखा है कॉपर कलर के अंदर, जो कि इसको एक अलग और यूनिक लुक देता है। और ये जो चीज़ आप देख रहे हैं ये एक टाइल है, 3D टाइल जो है इसको एक अलग लुक दे रही है। और साथ ही साथ यहाँ पे मिल जाता है आपको एक पाउडर रूम जो कि आपके गेस्ट के लिए जो है एक्सेसिबल होगा। अब हम चलते हैं हमारे फर्स्ट बेडरूम की तरफ। और हम बात करें तो फर्स्ट बेडरूम जो है, बेडरूम के अंदर भी जो है काफ़ी अच्छी स्पेस आपको मिल जाती है, आप देख पाएंगे। और सीलिंग की डिज़ाइन आप देख सकते हैं ऊपर, सिंपल और एलिगेंट सीलिंग डिज़ाइन आपको यहाँ पर मिलती है। LED के लिए पैनल आपको यहाँ दे रखा है, AC की फिटिंग, AC पूरा आपको यहाँ पर मिल जाता है, स्प्लिट AC। वेंटिलेशन के लिए विंडो आपको यहाँ मिलती है जो कि आपकी पीछे जो लॉबी है उसमें ओपन होती है।
सॉफ्ट कुशनिंग के साथ में जो है डबल बेड एक अलग ही लुक देता है। अब हम आ जाते हैं हमारे वॉशरूम की तरफ। वॉशरूम जो है काफ़ी अच्छा और स्पेशियस है। इस जगह के अंदर जो स्पेशियस वॉशरूम निकाला जा सकता था उसके अंदर बेस्ट ऑफ द बेस्ट इन्होंने निकाला है। आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी और बढ़िया स्पेस के अंदर जो है यहाँ पे आपको वॉशरूम मिलता है विद यहाँ पे जो है आपको मिल जाती है वार्डरोब्स। और सेपरेट शावर एरिया आपको यहाँ पे दे रखा है। वॉल माउंटेड कमोड आपको यहाँ पे मिलता है। और अब हम चलते हैं पीछे लॉबी के अंदर। तो यहाँ पे एक छोटी सी लॉबी आपको यहाँ दे रखी है। वॉशिंग वगैरह आप करना चाहें तो वाटर टैप का ऑप्शन आपको यहाँ मिल जाता है। वेंटिलेशन आप देख सकते हैं पूरा। अब हम चलते हैं हमारे फर्स्ट फ्लोर की तरफ। जैसे आप फर्स्ट फ्लोर की तरफ बढ़ते हैं तो स्टेयर्स के अंदर जो है आपको वुडन और ग्लास रेलिंग मिलती है जो कि एक अलग और मॉडर्न लुक इसको देती है। और साथ ही साथ जो है स्टेयर्स पे जो है आपको ग्रेनाइट मिलता है जो कि आपको एक अच्छा लुक देता है। और यहाँ पे जो है इन्होंने वॉलपेपर का काफ़ी अच्छा यूज़ किया है। और सीलिंग की अगर हम डिज़ाइन की बात करें तो एक छोटा सा शैंडेलियर आपको यहाँ पर मिल जाता है। स्टेयर्स केसेस में भी आप देखेंगे कि यहाँ पे जो है टेपरिंग करी हुई है तो कॉस्ट कटिंग नहीं करी गई है यहाँ पे। और अब हम आ जाते हैं हमारे फर्स्ट फ्लोर की तरफ। लेफ्ट और राइट में आपको बेडरूम मिलते हैं। यह आपका फॉर्मल लिविंग एरिया हो गया। सीलिंग की डिज़ाइन आप देख सकते हैं सिंपल और मिनिस्टिक डिज़ाइन आपको यहाँ पे दे रखी है। अब हम चलते हैं हमारे यहाँ के फर्स्ट बेडरूम की तरफ। फर्स्ट फ्लोर का जो फर्स्ट बेडरूम है उसके अंदर जो है आपको कुछ तरीके से जो है इंटीरियर मिलता है। पीछे की तरफ आपको वॉलपेपर का इन्होंने यूज़ किया है जो कि इसको एक अच्छा और यूनिक लुक देता है। बेड की कुशनिंग आप देखेंगे। और ऊपर की तरफ जो है आपको स्प्लिट एसी दिया गया है। फैंस आपको मिल जाते हैं यहाँ पे। स्लाइडिंग वार्डरोब आपको यहाँ पर मिलती है। काफ़ी अच्छी और बड़ी साइज़ के अंदर वार्डरोब हैं तो सामान रखने के लिए कोई दिक्कत नहीं होने वाली है आपको। ऊपर भी जो है आपको मिल जाती है रखने के लिए जगह। और यहाँ से आप एंटर कर सकते हैं बालकनी के अंदर। चलिए अब हम चलते हैं हमारे वॉशरूम की तरफ। और यहाँ पे जो है आपको एक अटैच वॉशरूम आपको यहाँ मिल जाता है। काफ़ी अच्छी और एम्पल साइज़ के अंदर जो है आपको यहाँ वॉशरूम दे रखा है। वॉल माउंटेड कमोड के साथ में आपको ये मिलता है यहाँ पे। यहाँ भी जो है वेंटिलेशन के लिए काफ़ी अच्छा सोर्स है वॉशरूम के अंदर भी। और यहाँ पे जो है आपको कुछ स्टोरेज के लिए कैबिनेट्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। वुडन कैबिनेट्स रैक्स आपको यहाँ पे मिल रही हैं। यहाँ पे वुडन रैक्स उस तरीके से। और ये जो है आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छा लुक देता है। और साथ ही साथ जो है नेचुरल लाइट का सोर्स भी है। अब हम चलते हैं हमारी बालकनी की तरफ। अगर हम बालकनी की बात करें तो बालकनी भी जो है आपको काफ़ी अच्छी और बढ़िया स्पेस आपको यहाँ दे रखी है। ग्लास रेलिंग के साथ में आपको मिल जाती है बालकनी। आसपास का एरिया आप देख सकते हैं पूरा यहाँ से। और अगर हम सीलिंग की डिज़ाइन की बात करें तो कुछ इस तरीके से जो है आपको सीलिंग डिज़ाइन मिलती है। स्टेयर्स आपको दे रखी है ऊपर जाने के लिए। आगे हम कवर करेंगे वीडियो के अंदर ऊपर वाले एरिया को भी। अब हम चलते हैं हमारे सेकंड बेडरूम के अंदर। सेकंड बेडरूम के अंदर जो है कुछ अलग तरह की थीम इन्होंने यूज़ करी है। कुछ अलग तरह का लुक आपको यहाँ मिल जाता है। वॉलपेपर आपको यहाँ दिए गए हैं। सीलिंग की डिज़ाइन आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपको सीलिंग की डिज़ाइन मिल जाती है। और जो बेड रेस्ट है और ये जो कलर है कुछ अलग ही आपको जो है लुक देता है। वार्डरोब्स आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। काफ़ी अच्छी साइज़ के अंदर। नीचे भी जो है आपको एडिशनल स्टोरेज ऑप्शन मिलते रहते हैं।
यहाँ पे आप सामान वगैरह स्टोर कर पाएंगे। सोफ़ा सेट आपको यहाँ मिल जाता है लगा हुआ। अब हम आ चुके हैं हमारे वॉशरूम के अंदर, और वॉशरूम में भी जो है आपको अटैच यहाँ पे वार्डरोब्स मिल जाते हैं, जहाँ पे आप अपना सामान वगैरह स्टोर कर पाएंगे। और यहाँ जो है आपको सेपरेट शावर एरिया मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छा लुक देता है इसको। और जो कलर कॉम्बिनेशन है टाइल्स के, ब्लैक ग्रे, एक अलग ही लुक देते हैं इस जगह को। वॉल माउंटेड कमर्ड आपको यहाँ पे मिलता है, और जो फिटिंग है वो सारी की सारी जगवार की यहाँ करी गई है, जैसा कि हम और आप देख सकते हैं। वेंटिलेशन के लिए आपको जो है ये कटआउट दे रखा है, पूरे रूम का जो वेंटिलेशन है इस कटआउट के थ्रू हो जाएगा। अब हम चलते हैं हमारे सेकंड फ्लोर की तरफ, और देखते हैं कि सेकंड फ्लोर पे आपको किस तरीके से जो है रूम आपको यहाँ पे मिलते हैं। सेकंड फ्लोर पे अगर हम बात करें तो ये आपका जो है मेन एक तरीके से टेरेस आप मानिए, ये आपका टेरेस हो गया। और यहाँ पे जो है आपको आपकी एसी की आउटडोर यूनिट्स मिल जाती हैं, और सबसे अच्छी बात मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक के एयर कंडीशनर इन्होंने यूज़ किए हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छा ब्रांड है एयर कंडीशनर के अंदर। यहाँ पे भी जो है आपको एक रूम मिल जाता है, आप इसको किसी भी तरह से यूज़ दे सकते हैं, आप इसको एज ए बेडरूम के तौर पर भी यूज़ दे सकते हैं, आप अपने सर्वेंट को देना चाहें तो उसको भी दे सकते हैं, या फिर आप एडिशनल गेस्ट रूम की तरह भी इसको यूज़ कर पाएंगे। और पीछे की तरफ जो है इसमें एक छोटी सी बालकनी दे रखी है, कुछ इस तरीके से। और ये हो गई पूरी आपकी टेरेस, काफ़ी अच्छी और बढ़िया स्पेस के अंदर आपको कोई टेरेस मिल जाती है। नीचे आप स्टे आप देख पाएंगे रोड और आसपास की लोकेलिटी को। कंस्ट्रक्शन चालू है, बहुत सारे लोग तो शिफ्ट हो चुके हैं, काफ़ी सारे लोग जो है शिफ्ट होने वाले हैं। अच्छी जगह है जयपुर के अंदर, अगर आप देख रहे हैं एक ठीक सेगमेंट के अंदर, ठीक बजट के अंदर, जयपुर के अंदर मेन सिटी के अंदर। तो दोस्तों ये थी इस पूरे विला की डिटेल्स, और अगर आपको ये साइट पसंद आई है और आप यहाँ विज़िट करना चाहते हैं तो जो नंबर है वो हमने टाइटल और डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। और इस विला की जो आस्किंग प्राइस है वो बड़ी अट्रैक्टिव है, फुली फर्निश्ड की जो प्राइस है वो है 1.45 CR, लोनेबल प्रॉपर्टी है। यहाँ पर आइए, विज़िट करिए, और जो अपना जो ड्रीम विला है वो आप जो है परचेज़ करिए। और वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें रियल इस्टेट की, और आप हमसे जुड़े रहें, कनेक्टेड रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, और मिलते हैं आपको अगली वीडियो के अंदर।